दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पर आप अपने भाई को धन्यवाद जरूर बोलेंगे कि राहुल भाई थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को डाला। और 100% यार आपकी बातें बिल्कुल सच है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप शुरुआती 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई, यहाँ पर जो है बहुत सारी YouTube पर वीडियोस आपको देखने को मिलती है जहाँ पर लोग बताते हैं कि भैया इस तरीके से आप 1000 सब्सक्राइबर्स कर सकते हो, या फिर अलग अलग तरीके बताते हैं, तो यार फिर भी आप 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं कर पाते हैं। और जो लोग कर लेते हैं वो बाद में बोलते हैं कि सर मेरे 1100 सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए, फिर भी मेरी वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। तो भाई प्लीज़ आज के इस वीडियो को कंप्लीट पूरा वॉच करना, जिससे कि आप ये समझ सकते हो कि 1000 सब्सक्राइबर्स आपको करने चाहिए नहीं करने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि 1000 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर कंप्लीट हो जाए। यार यहाँ पर जो है मैं यूट्यूबर्स की कुछ गलतियाँ, क्योंकि मेरे भाई एक बात बताऊँ, आज के टाइम पे हर यूट्यूबर मेरे को बोलता है कि राहुल भाई मेरे चैनल की गलती बता दो, राहुल भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ और आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप ये सभी गलतियाँ सुधार लेते हो तो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे भाई, जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स थे तब भी मेरी वीडियो पर 500 व्यूज़ आते थे, और आज मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तब भी मेरे 2-3 हज़ार व्यूज़ आ ही जाते हैं पर वीडियो पर। तो यार अगर आप जानना चाहते हो कि अपने सब्सक्राइबर्स को एक्टिव रखने के साथ साथ दिन पर दिन आप सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ा सकते हो तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना करे आपको बोर। आप देख रहे हो वाईटी स्टोर। तो दोस्तों, अब आपसे मैं बात करने वाला हूँ पहली चीज़ की, गलती की। उससे पहले यार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर आपको YouTube से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी। तो गाइस, बात करूँ नंबर वन गलती की, तो यार आज के टाइम पर 95% यूट्यूबर ने, जो बिल्कुल नए यूट्यूबर हैं, उन्होंने कर क्या रखा है, इस टाइप का चैनल खोल रखा है कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। मेरे भाई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इस चीज़ में आज के टाइम पर, क्योंकि जब मैंने चैनल खोला था तो यूट्यूब के बारे में इतने ज़्यादा लोग नहीं बताते थे, बट यार आज के टाइम पर बच्चा बच्चा ये बताता है कि आप यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे कर सकते हो। और गाइस मैं सच बता रहा हूँ, जब मेरा एक और चैनल था टेक्नो एडवाइज़र, तब मैं ये वीडियो बनाता था कि यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करे, ये चीज़ कैसे करे, अपने चैनल पर व्यूज कैसे बढ़ाए। और गाइस आप ट्रस्ट नहीं करोगे मेरे भाई कि उस टाइम पर मेरे 20,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आते थे। तो यार ये चीज तो मैं बता ही नहीं सकता कि आप चैनल ग्रो कैसे कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और ऐसी गलती करते हो ये सोचकर कि भैया राहुल भाई के वीडियो पर व्यूज आते हैं, या फिर जो भी बंदा ऐसी वीडियो बनाता है कि यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें उसके चैनल पर व्यूज आते हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे भी शुरुआती दिनों में व्यूज़ नहीं आते थे, हमने भी बहुत सारी मेहनत करी है तब जाकर आज इतना सफल हुए हैं। और आज के टाइम पर तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इस चीज़ में, तो प्लीज़ इस चीज़ के अंदर मत उतरना। आप जो है टेक्निकल यार बहुत सारे फील्ड है मेरे भाई, बहुत सारे, उन सभी में जाओ, 100% अपनी स्किल को बेटर करो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप उन चीज पर काम करते हो तो आप जल्दी सफल होते हो। गाइस बात करते हैं दूसरी चीज की, जो कि यार 100% लोग 100% लोग गलती करते हैं, वो पता है क्या है, वो है मेरे भाई कमेंट का रिप्लाई ना देना। यार यहाँ पर जैसे ही आपके 1000-2000 सब्सक्राइबर्स होते हो तो आप अपने आप को एक यूट्यूबर मानने लग जाते हो कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ। मैं आपको बता दूँ मेरे भाई, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं भी कमेंट का रिप्लाई नहीं देता, और अधिकतर लोगों के रिप्लाई में नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेरे भाई मैं यूट्यूब के अलावा जॉब भी करता हूँ, और जैसे ही मेरे पास टाइम होता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी पुरानी वीडियो से लेकर नई वीडियो में जो भी कमेंट आते हैं उन सभी का रिप्लाई दूं। और यार रिप्लाई नहीं भी देता ना मेरे भाई तो लाइकली स्पैम में जो कमेंट गए हैं उनको पढ़कर, जिसने स्पैमिंग नहीं करी है या किसी तरीके का गलत काम नहीं कराया है उनको मैं ज़रूर निकालता हूं। क्यों? क्योंकि अगर लाइकली स्पैम में उन बंदों के कमेंट जाते हैं तो यार उससे कभी ना कभी उनका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो यार मैं कमेंट को रिप्लाई देने से ज़्यादा किसी के चैनल को बचाना समझता हूं, इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों के जो लाइकली स्पैम में कमेंट होते हैं वो कमेंट हटाता हूं। और यार आप भी ये चीज़ करके अगर किसी के चैनल को आप बचाते हो तो ट्रस्ट मान लीजिए मेरे दोस्त, आपका भी भला होता है। और हाँ, 100% मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज के टाइम पर आप किसी के कमेंट का रिप्लाई देते हो टाइम निकाल कर, तो यार उसको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ने मुझे रिप्लाई दिया। तो ये चीज़ ज़रूर करना, शुरुआती दिनों में ये चीज़ आप करते होंगे कि हमारे चैनल पर जैसे ही कमेंट आता है उसको थैंक यू सो मच लिखते होंगे, हर्ट्स देते होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे बढ़ते जाते हो ना मेरे भाई, तो 100% यूट्यूबर ये सोचते हैं कि कमेंट का रिप्लाई नहीं देना है, वॉच टाइम कम हो जाएगा, ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचो यार, किसी इंसान ने आपको कुछ
रिप्लाई मांगा होगा। अगर कोई तारीफ़ करता है तो उसको थैंक्स बोलना चाहिए, और किसी ने कुछ क्वेश्चन करा है तो उसका रिप्लाई दो। और अगर आपने किसी ने कुछ ऐसे ही कर दिया कमेंट, लाइक कुछ भी, तो आप उसको हट तो दे ही सकते हो मेरे भाई, अगर उसका कमेंट आपने पढ़ा है तो। तो यार ये चीज़ भी आपकी गलती आती है, जिसमें आपके जो लोग हैं वो आपकी वीडियो देखना बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो भाई इस चीज़ को हमेशा ट्राई करना कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद आप ये गलती ना करना। अब मेरे भाई बात करते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स आपको करने कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भी वीडियो देखने इसलिए आए होंगे कि भाई 1000 सब्सक्राइबर हमें करने कैसे हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर्स के पीछे कभी मत भागना मेरे भाई। कभी भी लाइफ में ये मत सोचना कि यार अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लोग ज़्यादा बड़ा मानेंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइबर्स को कैसे बढ़ा सकते हो। तो यार बिना बकवास करें डायरेक्ट अब आते हैं पॉइंट पर। तो यार काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसा सोचते हैं, लाइक मैं ही हूँ, यूट्यूब टिप्स मैं आपको बताता हूँ, तो कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई इसके व्यूज़ कम आते हैं तो यार जब उनका चैनल ग्रो हो जाता है तो हमारी वीडियोस देखना कम कर देते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो टेक्निकल चैनल होते हैं उनकी वीडियो पर व्यूज़ कम आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई टेक्निकल चैनल जो होते हैं ना वो सिर्फ टेक्निकल बंदे ही देखते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वही देखते हैं। और हमारे सब्सक्राइबर शुरुआत में होता है मेरे भाई, देख लेते हैं लोग, और जैसे ही उनका चैनल ग्रो हो जाता है उसके बाद में गलती क्या करते हैं, वो हमारी वीडियोस देखना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपका चैनल ग्रो हो चुका है, लेकिन मेरे भाई हम आपको एक बात बताएं, हम लोग सिर्फ अपना भला नहीं देखते, हम दूसरों का भी भला देखते हैं, ताकि आने वाले टाइम पर हम लोग जो है जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब से रिलेटेड टेक्निकल, मैं ये नहीं बोलता मेरे भाई मैं ही बनाता हूँ, उन सभी से आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन सभी को पता होता है भाई मोनेटाइजेशन पॉलिसीज क्या होती है, गूगल की नई पॉलिसीज कौन सी आई है, कम्युनिटी गाइडलाइंस में कुछ नया रूल आया है क्या, यार वो हमेशा अपडेट रहते हैं इन चीज़ों से। और यार अगर आप प्रैंकस्टर हो या फिर ऐसी वीडियो बनाते हो और आपका चैनल ग्रो भी हो जाता है, तो यार ये सोचकर कभी वीडियो को मत करना कि भाई मेरा चैनल तो ग्रो हो चुका है मैं इस बंदे की वीडियो क्यों देखूं, इससे ज़्यादा मेरे पर व्यूज़ आते हैं तो मैं इस वीडियो को क्यों देखूं। गाइस हमेशा ट्राई करना और हमेशा ये सोच लेना कि अगर आपकी वीडियो पर व्यूज़ अभी नहीं आते ना दोस्त, तो हमेशा मैं गारंटी से कहता हूँ आगे जाकर व्यूज़ आएंगे। लेकिन जो बंदे ये सोचकर गलती करते हैं कि यार इस बंदे की मैं वीडियो क्यों देखूं, इसके तो खुद के ही व्यूज़ नहीं आते, गाइस हमेशा मान लीजिए मेरे भाई, हो सकता है कि सामने वाले बंदे का चैनल कभी पहले टर्मिनेट हो चुका हो। यार ये लोग जो है ना गलत फहमी फैलाते हैं कि यार व्यूज़ की वजह से सब कुछ होता है। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स व्यूज़ कुछ नहीं होते मेरे भाई, आपका कंटेंट देखा जाता है, आपका थंबनेल अच्छा है, बनाने की स्टाइल अच्छी है, तो यार आपका भाई पर्सनली आपको हेल्प करेगा ये चीज़ करने में। अब गाइस ये चीज़ें तो होती है, बिल्कुल आप जो गलती करते हो, हाँ यार आप शेयर करके सब्सक्राइब ला सकते हो, आप लोग बहुत कुछ करके अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स ला सकते हो, बट मैं इन सभी चीज़ों का भी इस टाइम पर सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यार काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाई है कि यार आप इस तरीके से शेयर करोगे, इस तरीके से आप चैनल पर ग्रो कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो, बट मेरे भाई 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे करने हैं, इसके बाद भी मेरे भाई अगर आपके व्यूज़ नहीं आते ना तो आपको दिल दुखता होगा। और यार ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी किसी टाइम पर, जब मेरे 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो चुके थे इस चैनल पर, नहीं मेरे भाई दूसरे चैनल पर, तो वो चीज़ मुझे दुखती थी कि यार इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी मुझे व्यूज़ नहीं मिलते। तो भाई व्यूज़ सब्सक्राइबर्स के पीछे मत भागो, अभी भी मैं कहना चाहता हूँ। और जिस बंदे ने इस वीडियो को डिसलाइक करा है मेरे भाई, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जिस दिन आपकी वीडियो पर डिसलाइक आएगा ना दोस्त, उस दिन आपको कितना बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर जो है मैं चाहता तो आपको कुछ भी अटरम सटरम चीज़ें बताकर अपना दिल खुश कर लेता, आपका दिल जीत लेता, लेकिन मेरे भाई अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना तो मेरा पूरा मोटिव रहता है कि आप लोगों का नेट जो आपने मुझ पर लगाया है, मेरी वीडियो पर लगाया है, वो पूरी तरीके से उपयोग में आना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो फिर से कहना चाहता हूँ कि यार लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप यूट्यूब पर ऐसी ही मोटिवेटेड वीडियो देख सको, यूट्यूब पर गलती करने से बच सको। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।